नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, आज आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे मिम्स कह दिए जिससे आपको बता दें कि युवाओं के बीच आक्रोश नजर आ रहा है। युवाओं ने अलग अलग कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि हनुमान बेनीवाल ने इस तरह से युवाओं को क्यों बतलाया है। हालांकि आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने कुछ अपनी भीड़ में से कुछ युवाओं को मिम्स में के साथ ही आपको बता दें कि अपने गुच्छे के साथ उन युवाओं को चुप रहने के लिए कहा है। हालांकि आपको ये एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि हनुमान बेनीवाल ने किस तरह से युवाओं से बातचीत की है। अग्निपथ को लेकर हनुमान बेनीवाल युवाओं के साथ खड़े हमेशा नजर आए हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज युवा हुंकार महारैली जोधपुर के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बता दें कि युवाओं में अभी तक आक्रोश है। आक्रोश की ये बड़ी वजह है कि हनुमान बेनीवाल ने गुच्छे के साथ युवाओं से बातचीत की है। हालांकि हनुमान बेनीवाल केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई सेना में अग्निपथ योजना को लेकर उसके विरुद्ध हुंकार रैली कर रहे थे, जिसका आपको बता दें कि आज जोधपुर में आयोजन किया गया। इसी दौरान आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने कुछ युवाओं को चुप रहने के लिए कहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि युवाओं ने कहा है कि हमें बेशर्मिंदा किया गया है। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए ये रिपोर्ट जिसमें हनुमान बेनीवाल युवाओं के साथ किस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। आज अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई दो चार बच्चों को ज्यादा तकलीफ है ना, तो तुम अभी भागोगे यहाँ से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी, बैठ जाओ चुपचाप। बराबर निकम में कहां से आ गए बताइए, उठा उठा कौन है? और राजू चेक करें कौन है, नीचे बैठो सब लोग, नीचे बैठ जाओ, जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो, आप पाइप पर नीचे बैठो, और ये जो बीच में है ना, बेशर्म कहीं से है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ, ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना?